अगर आपके ब्याज इंटरेस्ट की गणना करें, दो तरीके दो है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पर गणना करते हैं। इसमें आपके दो मेथड है, आपके एक तो गुणनफल विधि भी है और एक औसत मार्ग विधि। इसमें अगर एक विधि गुणनफल विधि, मतलब विधि जैसे लगाते हैं, आप बिना विधि कर सकते हो, फिर भी विधि से करो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें दो विधि इसलिए है कि देखो पूंजी तो हम बार बार नहीं लगाते, जब आए मर्जी तब हमने पैसे लगा दी, मतलब साल में एक या दो बार, या कभी लगाते ही नहीं पूंजी, एक बार लगाते लगा दी, इसलिए विधि आपके गुणनफल विधि आती है। अब यहाँ क्या है कि हम ड्रॉइंग कभी कभी बार बार अलग अलग टाइप पर करते हैं, जिसको मान लो कि कोई भी जिसका टाइम फिक्स ही नहीं, कभी भी कर लेते हैं, तो आगे आपके ये वाला प्रोडक्ट मेथड। और अगर आपको सैलरी के रूप में चाहिए कि मुझे हर महीने की लास्ट तारीख को चाहिए, या मुझे हर महीने की पहली तारीख को चाहिए, या मध्य में चाहिए, या लास्ट में चाहिए, कोई तारीख फिक्स कर लेते हैं, उसी डेट को पैसे निकालते हैं ताकि आपको ब्याज लगाने में आसानी रहे। तो तीन डेट देते हैं जिस डेट के हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हैं, मतलब पैसे घर पर चाहिए जरूर, क्योंकि हम वहाँ व्यापार जो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और कमा रहे हैं तो घर भी लाना पड़ेगा। अब पैसे हर बार हम वहाँ भेजते नहीं, भेजते कम है और लाते जाता है, क्योंकि हमने वहाँ व्यापार किया है, कुछ कमाया है, तो कुछ लेके आएंगे। और कैसे लेके आएंगे, अलग अलग डेट पे ला रहे हैं ये मेथड, और एक तारीख फिक्स कर दी कि मतलब पहली तारीख को लाऊंगा, या माह के मध्य में लाऊंगा, या साल या महीने के एंड में लाऊंगा, तो अलग अलग फिक्स कर दे कि बस मैं तो हर महीने लेके आऊंगा, तो अलग नहीं होगा। आप दोनों एक में कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा ही रहेगा कि आप कैसे करो कि साल के मध्य मतलब में नहीं, तो अगर आप 12 महीने निकालो पूरा चार्ट बन जाएगा, अगर गुणन विधि से करोगे तो, क्योंकि गुणन विधि आपके दो तीन किस्त है, दो तीन लाइनें हैं, तो फिर एक बार हो जाता है, लेकिन अगर बार बार आएगा हर बार, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, सूत्र लगा कर लो, सूत्र ईजी हो जाएगा। अब ये दोनों आपके एक सेम है, मतलब कभी कई सौ पैसा निकाले, तीन या चार बार निकाला है तो ये दोनों विधि, और हर महीने निकालोगे तो ये विधि हो जाएगी आपके। सूत्र क्या आ जाएगा आपके, गुणन फलों का योग, सम ऑफ प्रोडक्ट, गुणन फलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 12, ये है आपके, ये तो आ जाएगा आपके गुणन दोनों में, चाहे वो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो। अब यहां पर आपके औसत मार्ग विधि, मतलब प्रत्येक माह को आरंभ करना, प्रत्येक माह को आरंभ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके, कुल आर्य राशि लिखो, या फिर आप लिख सकते हो आर्य राशि जो आप आरंभ कर रहे हो इंटू 12, जितना आपने एक माह में आरंभ किया है, एक महीने का, एक महीने में कितना किया तो 12 महीने में कितना किया, 12 से गुणा कर लेंगे, इंटू दर इंटू औसत माह बटा 100 इंटू 12। आपने जितनी जैसे मान लो 500 रुपए पर मंथ निकाल रहे हो, तो 500 गुणा करेंगे 12 से, तो हो जाएगा 12 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 6000 रुपए टोटल आपने आर्य किए। तो या तो ये लिखो, या इसके साथ लिख सकते हो आप कुल आर्य राशि भी लिख सकते हो, और ये लिख ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो आपने कुल आर्य राशि लिखो तो भी रहेगा। अब कुल आर्य राशि कैसे ज्ञात करते हैं, अभी मैंने जो लिखा वही एक महीने का है, जो भी आपने ड्रॉइंग किया इंटू 12 से गुणा कर लो, एक महीने का जो भी ड्रॉइंग है, एक महीने 600 रुपए निकाल रहे हो, उसको 12 से गुणा कर लो, तो आ जाएगी कुल आर्य राशि, टोटल ड्रॉइंग अमाउंट आ जाएगा, फिर रेट है इंटू आपके एवरेज मंथ है औसत मार्क। अब अगर आपने पहली तारीख दी है तो आएगा आपके 6.5 महीने है, और यहां आएंगे आपके 6 महीने, और यहां आएगा आपके 5.5 माह। निकलते कैसे, ऐसे निकलते हैं कि पहले महीने 500 निकाले 12 माह के लिए, प्रथम तारीख निकालेंगे तो पूरा 12 माह का रहेगा, फिर अगले माह जनवरी में निकालेंगे तो 11 महीने, फिर और निकाला तो कितना है 10 महीना, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से जोड़ करेंगे तो आएगी 78, और 500 500 500 इस बार लिखेंगे। अब 500 500 इस बार लिखा तो देखो 500 500 500 लिखा, मैंने कितनी बार लिखा, मैंने 78 बार लिखा, 512 बार आया, 511 बार आया, 510 बार आया, 5 कितनी बार आया, 78 बार आया, तो देखो इसके टुकड़े हो गए कितने, इसके अगर टुकड़े करेंगे यही होगा आपके औसत माह और आपके 12। देखो औसत माह कितना है, इसके टुकड़े कर दो भाग, 78 में भाग दो आप 12 का, कितना आएगा आपके 6.5, 78 बोलो
या कह सकते हो 12 इंटू कितना 6.5। तो देखो 500 रुपए आ जाएंगे यहाँ पर, 12 आ जाएगा यहाँ पर, औसत में आ जाएगा यहाँ पर। किसी के टुकड़े किए हुए 500 मतलब एक महीने में कितना कट किया इंटू एक 12 महीने इंटू औसत माह कितना है 6.5। अगर आपने पहली तारीख को किया है, अगर आपने पहली तारीख को नहीं किया है और माह के मध्य में कर दिया तो कितने महीने आएंगे 11.5 महीने, क्योंकि आधा महीने कट गया आपको जनवरी का, क्योंकि आपने आगे कहां से स्टार्ट किया जनवरी 15 स्टार्ट किया तो 11.5 ऐसा आएगा लाइन। तो ये बन जाएगी जोड़ 72, 500 × 72 लिखो, उसकी जगह लिखो आप 12 × 6 लिखो, 12 आ जाएंगे यहाँ पर, 6 आ जाएंगे यहाँ पर। वैसे फिर अगर हम साल के एंड महीने के एंड में करेंगे तो 11, 10, 9 ऐसे इसी को सूत्र बनाकर ऐसे यहाँ लिख दिया कि यहाँ एक महीने का कितना, 12 महीने का कितना और फिर औसत माह, इन तीनों का गुणा इस जोड़ के बराबर मिलता है। तो लगता है गुणनफल विधि, गुणनफल विधि में आता है प्रोडक्ट को ये वाला। देखो इसका ये सूत्र कोई फर्क नहीं है, इसका सूत्र क्या है गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 × 12, ये भी यही लिखा हुआ है। देखो गुणनफलों का योग, ये तीनों मिलकर गुणनफलों का योग है। जहां मैंने बताया अभी जैसे यहाँ था 500 × 72 आया तो 500 आ गया यहाँ पर, 12 आ गया यहाँ पर, दर आ गई यहाँ पर, जो गुणा करेंगे वो वाला। बट और ये रहा दर, ये रहा 100 और ये रहा 12, इसी के टुकड़े कर दिए अलग अलग, तीन भाग कर दिए ये और ये मेथड एक ही। लेकिन क्या है इतना बड़ा करना पड़ता, पूरे 12 महीने का करना पड़ता है, तो इतना 12 महीने कौन करे, इसलिए क्या कर दिया इसने सूत्र बना दिया कि आपने कितना आरंभ किया इंटू कितने महीने आरंभ किया इंटू औसत माह बना दिया उसका, ताकि आप आराम से कर सके। तो सवाल भी आता है 3 नंबर का, इसका भी आता है 3 नंबर का, या तो ये आएगा ये दोनों में से कोई एक आता है, तो ये और ये एक ही सूत्र है, कोई अलग अलग नहीं है, बस वही इतना बड़ा नहीं, कोई कौन करे 12 बार कौन लिखे, इसलिए इसने एक बार सूत्र बना दिया। ये तीनों, ये एक चीज में तीनों चीज है, कुल आयता से औसत माह दोनों मिलकर गुणफलों का योग है। तो जब भी आपके गुणफल या है ऐसा सूत्र लगा दो या है ऐसा लगा दो, लेकिन दोनों एक ही सूत्र है, कोई अलग अलग नहीं है।